ठहरिए, रुक जाइए, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को 5 मिनट तक देख लीजिए। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट निकल कर आए हैं। आपका पैन कार्ड आपके पास है, 2 पैन कार्ड है या 1 पैन कार्ड है, या फिर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, अगर नहीं देखते हैं तो आपका 10,000 रुपया नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। पहला अपडेट यहां पर जो निकल कर आ रहा है, यदि आपके पास 1 पैन कार्ड है, ठीक है, जो जनरल है, चालू है और सब जगह आपने दिया हुआ है, लेकिन उस पैन कार्ड को आपने अब तक आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, तो इधर स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा जो कि इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, छूट की श्रेणी में आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर है और एक और कोई स्टेट है, ठीक है, तो इन लोगों के अलावा जो भी स्टेट से आप देख रहे हैं, आपको 31/3/2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। जो पैन कार्ड आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वैसे पैन कार्ड 1/4/2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, तो इसको अनिवार्य कर दिया गया है। आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक जरूर कर लें। आपने अगर कर लिया है या नहीं किया है तो उसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक दे रहे हैं, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अपना पैन कार्ड नंबर, अपना आधार नंबर डाल करके आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑलरेडी लिंक योर आधार या योर पैन करके आएगा, तो समझिए आपका जो पैन है वो लिंक है, ठीक है, वहां पर पैन नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका लिंक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिंक है तो लिंक कर लीजिए। पहले ये बिल्कुल मुफ्त था, फ्री था, बाद में इस पर 500 रुपया चार्ज लगाया गया, अभी अगर आप फिर लिंक करते हो तो 1,000 रुपया, और इसके बाद भी अगर आप लिंक नहीं करते हो तो हो सकता है चार्ज बढ़ा दिया जाए या फिर आपका पैन कार्ड को ही निष्क्रिय कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ऐसे में अभी जो टाइम चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ बाहर स्टेटों में हैं, और जब एक बैग से आपके घर में कोई ऐसी मुसीबत परेशानी आ जाएगी जिसमें आपको 50,000 से ज़्यादा निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका पूरा का पूरा काम ठप पड़ जाएगा और आपका सारा काम जो है बर्बाद हो जाएगा, आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो ये काम कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं जिनका 2 पैन कार्ड बना हुआ है उनके लिए क्या उपाय है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यदि 2 पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो आप 1 पैन कार्ड को अपना सिलेंडर कर दीजिए, उसको बंद करवा दीजिए। अगर आप सिलेंडर नहीं करते हैं, बंद नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको 1 पैन कार्ड को बंद कर देना है, 1 पैन कार्ड ही आपका चलेगा, चाहे किसी भी स्टेट में आप चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि पैन कार्ड को किस तरीके से निष्क्रिय किया जाए, किस तरीके से सिलेंडर किया जाए। बहुत सारे वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन के थ्रू आप पैन कार्ड को अपना बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर है, कोई जानते हैं और ये जमीनी स्तर पर काम किया है तो नीचे कमेंट में करके बताएं। मैंने जहां तक कॉल करा, बात करा यहां पर, तो मुझे मालूम चला कि यहां पर आपको पैन कार्ड सिलेंडर करने के लिए आपको जो आयकर विभाग का जो ऑफिस होता है, इनकम टैक्स का जो ऑफिस होता है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिख करके, ठीक है, जिसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि आपने गलती से बनाया था या किस कारणवश आपने बनाया था, आप एक पैन कार्ड को सिलेंडर करना चाहते हैं, तो वहीं पर आपका दस्तावेज वगैरह लिया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि हाँ, आपने 1 पैन कार्ड को सरेंडर कर दिया है, और 1 पैन कार्ड पर आप फिर काम सारा जगह कर सकते हैं। गलती से बना हो या फिर जैसे ही बना हो, 2 पैन कार्ड है तो 1 पैन कार्ड को निष्क्रिय करना अति आवश्यक है, यह बात आप समझ लीजिए, अन्यथा आप भारी नुकसान में पड़ सकते हैं। पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी अपने चैनल वीडियो बना दिया है, एक इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा आपको साथ जो है शेयर करना चाहिए था और ये बहुत जरूरी है। जाकर के लिंक पर क्लिक कीजिए और चेक करिए आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड का भी लिंकिंग का काम चल रहा है, अगर आपने वो भी नहीं किया तो कर लीजिए। इससे क्या है कि भारत सरकार जो है वो चाह रही है कि यहां पर जितने भी जो फ्रॉड टाइप के जो लोग हैं, जो 1 नहीं 2 3 3 बना लेते हैं, तो आधार से जब लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट का काम यहां पर चालू कर दिया जाएगा और जो ऐसे जो 1 व्यक्ति 2 4 5 दस्तावेज बना करके रखे उनका डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने किसी मनसाहा टॉपिक पर सजेस्ट करके या फिर
मेकअप से बोल करके आप वीडियोस भी बनवा सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोगी सैयद शमशाद हुसैन, जिसमें ब्लॉग आप को मिलता रहेगा, एंटरटेनमेंट आप होते रहोगे। तो ब्लॉग के शौकीन हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।